दोस्तों एमएस धोनी का बहुत बड़ा बयान, अगर इंडिया को एशिया कप जीतना है तो इस खिलाड़ी को करना होगा शामिल। तो क्या है खबर की पूरी जानकारी, हम किस खिलाड़ी की बात कर रहे हैं यही बताने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आप भी हैं भारतीय टीम के फैन तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों भारतीय टीम एशिया कप की पूरी तरह से तैयारियों में जुटी हुई है। क्रिकेट जगत में इस समय एशिया कप की बात हो रही है क्योंकि भारतीय टीम एशिया कप की तैयारी कर चुकी है और भारतीय टीम का स्क्वाड भी सामने आ चुका है। दरअसल दोस्तों जब स्क्वाड सामने आया तो एक लंबी चौड़ी डिबेट देखने को मिली क्योंकि स्क्वाड में भारतीय टीम ने केवल और केवल 3 फास्ट बॉलर्स को रखा था। इसके बाद दोस्तों भारतीय क्रिकेट बोर्ड काफी ज्यादा क्रिटिसाइज करी जाने लगी कि यहां पर भारतीय टीम ने इतने कम खिलाड़ियों को क्यों रखा। दरअसल दोस्तों भारतीय टीम में भुवनेश्वर कुमार, अर्थदीप सिंह और आवेश खान के रूप में केवल 3 पेसर थे। इस वजह से भारतीय क्रिकेट जगत के फैंस जो है काफी नाखुश थे कि भारतीय टीम इस तरह का क्यों कर रही है और इतने कम फास्ट बॉलर्स क्यों रख रही है, क्योंकि दोस्तों भारतीय टीम के पास कई सारे ऑप्शंस भी थे। यहां पर दोस्तों मोइजिन खान हो गए, मोहम्मद सिराज हो गए और यहां पर दीपक चहर, टी नटराजन जैसे खिलाड़ी थे पर उनको नहीं खिलाया गया। पर दोस्तों अभी धोनी ने एक ऐसा सजेशन दिया है जो कि भारतीय टीम अगर मानती है तो भारतीय टीम जरूर जीत जाएगी। एक रिपोर्ट की माने तो एमएस धोनी का कहना है कि भारतीय टीम को टी नटराजन को टीम में शामिल करना चाहिए। एमएस धोनी का मानना है कि टी नटराजन जिस तरह से यॉर्कर्स डालते हैं उससे एशियाई टीमों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, जिस वजह से अगर टी नटराजन टीम इंडिया में शामिल होते हैं तो यह भारतीय टीम के लिए बहुत अच्छे फायदेमंद बात होगी। अब देखने वाली बात होगी कि भारतीय टीम क्या यहां पर एमएस धोनी की बात मानती है या इनको भी इग्नोर कर देती है। आपको क्या लगता है, क्या बात माननी चाहिए या इग्नोर कर देनी चाहिए, हमें अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।